नमस्कार गगन भाई। नमस्कार सर, क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया सर। कितनी गाय सेल की आज मंडी से? सर टोटल आज टोटल गई हैं 12-13 गाय गई हैं सर मंडी से। कहाँ? सर 7 गाय गई हैं गुजरात में अपनी आनंद में, और 5 गाय सर लोकल पंजाब में, 3 गाय अमृतसर और 2 गाय सर हिमाचल में। कम से कम रेट कितना है आज का? ज्यादा से ज्यादा कितना? 45 से लेके 65 तक रेट है सर। 65,000 वाली गाय का दूध? सर 25 लीटर अप्रोक्सीमेट। 45,000 वाली का? सर 17-18। ठीक है जी सर, तो बाकी की बात वीडियो के लास्ट में करेंगे, पहले हमें गाय चलाकर दिखा दो। ओके ओके सर। इस गाय का बैकग्राउंड बता दो जी, क्या फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुई है सर? कब डिलीवरी हुई है? सर इसको 2-3 दिन हुए सर। ठीक है, कितना दूध रेडी है अभी? सर अभी दूध इसके 21-22 रेडी है सर। कितना करेगी जी? सर 25 लीटर। और किस एरिया में सेल करी है? ये सर गुजरात में की है सर, आनंद साइड। क्या रेट पे? ये सर 62 में दिए सर, फर्स्ट टाइम पछड़े और दो दाम सर टेस्ट है बिल्कुल। 62,000 में? हाँ जी हाँ जी सर। करेक्टर चेक करो सर गाय के, इक्वल गया सर, फिक्स आर्डर गया सर, लेग स्कोर के, लेग स्कोर देखो सर गाय का, और सर बिल्कुल पतली चमड़ी की गाय है सर, ब्रीड में देख सकते हो सर, दांतों में दिखा, दांत भी दिखा देता सर, बिल्कुल 2 दांत, अभी बच्चा है सर, इसने सारा अभी ग्रोथ ही करना सर, दूध भी ग्रोथ करना है इसने सर, हैट भी और सर दूध भी, आप बाकी सर क्वालिटी चेक कर सकते हो सर, आप दांत दिखाना इसके, ये देखो सर अभी 2 के निकाल रही है सर, अभी पूरी नहीं निकाली सर, 2 के निकाल रही है सर, फर्स्ट टाइम है सर। जो फार्मर आता सर वो ये सोच के आता कि सर मैं नया डोर लेके जाऊं, जो मैं 3-4 ब्यात दूध पी लूँ सर जिसका, क्योंकि सर एक ब्यात में सर 3-4 मंथ में गए, अपनी इनकम पूरी का, अपनी लागत पूरी कर देते सर, इसके बाद फ्री होती है सर, ठीक है ना। और बाकी सर आप करेक्टर वाइज चेक करोगे सर, गाय की क्वालिटी वाइज चेक करोगे सर, बढ़िया दूध की है सर, दूध वाली। इस गाय का क्या बैकग्राउंड है जी? ये भी सर फर्स्ट टाइम बच्चा दिया सर इसने, और ये अभी सर 18-19 लीटर दूध रेडी है सर। कितना करेगी ये सर? कर जाएगी 22-23 सर। ठीक है जी, और रेट इसका? ये सर 55 में दिए सर जी। किस एरिया में? गुजरात? ये सर गुजरात में जा रही है सर, बाकी सर देखो रेट से, रेट के हिसाब से लगा लो आप सर, गाय बहुत मान के चलो आज जनरल प्राइस में मिली है सर, इनका फर्स्ट टाइम बछड़ी है सर, 18-19 लीटर रेडी है सर की सभी, तो 21-22 मान के चलो 23 लीटर तक जाएगी सर पीक लेवल पे सर, और फिक्सिंग देखो सर गाय की कुल गैप पे सर, चमड़ी से गैस करो सर गाय को, ब्रीड से गैस करो सर, तो दूध निकाल देगी सर 22-23 लीटर सर। और बाकी सर आप अभी ये फर्स्ट टाइम मेरा सर नया डोर है, आगे इसने बढ़ना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ सर कि जो भी कस्टमर आता सर वो ये एक्सपेक्टेशन करता है भी सर मैं नया डोर लेके जाऊँ सर, मेरे पास जो 4-5 ब्यात हो जो दूध दे दे अच्छा सर, तो ये सर इनकम वाले जानवर है सर, जिससे इनकम कमा लेगा बंदा। इस गाय का क्या बैकग्राउंड है? ये भी सर फर्स्ट टाइम मेरा सर, फेस से 4 दांत है सर, ये सेल के लिए अवेलेबल है सर। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। और क्या रेट मांग रहे हो? ये सर इसका 65 मांग रहे हैं सर, जो 65 जी सर, बाकी सर लेन देन वाला ही है, लेन देन वाला सर, बाकी आप क्वालिटी चेक करो सर, अगर ज़्यादा लग रहा है तो बता दो, क्योंकि सर जेन्युइन प्राइस मांगेंगे तो सर कस्टमर भी आ जाएगा सर, जिंदा रहेगा कस्टमर, अगर रेट ही सर ज़्यादा मांग लिया तो फायदा नहीं है कुछ। क्या दूध करेगी? दूध सर ये कर जाएगी 25-26 लीटर सर। ठीक है, गाय की फिक्सिंग देखो सर, हेडलाइन देखो सर, फ्लक्चुएशन में कहाँ पे जा रही है सर, चमड़ी से गैस करो सर गाय को, देखो सर लेग स्कोर के ऊपर आ रहा बिल्कुल, और इक्वल गैप है सर, कहाँ से स्टार्टिंग है सर आर्डर की देखो, बिल्कुल जैसे फॉरेन टाइप कंट्री में होते हैं ना सर आर्डर, वैसे आर्डर है सर, बिल्कुल कम्पैक्ट आर्डर है सर गाय का। और बाकी सर आप भी वीडियो बनाते रहे तो सर क्वालिटी वाइज आपको पता चल जाता है अभी कौन सी गाय दूध वाली है कौन सी नहीं सर, खाली बोलने वाला नहीं है सर, जो निकालेगी सर वही है, चेक करो सर, ब्रीड से चेक करो, हेड से चेक करो सर, चमड़ी से चेक करो सर गाय, ओके। और देखो सर कितने को फेस क्वालिटी सर कितनी है, डेनमार्क में सर ये सेल के लिए है। किसान भाइयों अगर गायें खरीदनी है तो गगन से वार्तालाप कर सकते हो, भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। बाकी सर मिल्किंग वेन दे सकते हो सर, आप क्वालिटी चेक, क्वालिटी वाइज चेक करोगे तो सर मिल्किंग वेन सर ऑर्डर पे वेन सर, जो दूध वाले करेक्टर होते हैं। इस गाय का क्या बैकग्राउंड है जी? ये भी सर फर्स्ट टाइम बच्चा दिया सर, 2 दांत सर। कब डिलीवरी हुई है? ये सर हो गए 4-5 दिन सर। अभी दूध कितना है और टोटल कितना करेगी? 17-18 लीटर करेगी। सेल के लिए अवेलेबल है या बिकी हुई है? बिकी हुई है सर, ये भी जी सर। किस रेट पे? ये सर 45 में जा रहा है। ठीक है जी, जी सर क्वालिटी वाइज चेक करो सर, देखो जी जैसा गाय का वजूद होता है, जैसा जितना दूध होता है सर उस हिसाब से रेट है सर अपने फार्म का, ऐसा नहीं है अभी सर बोलना कुछ है और निकला कुछ सर, क्वालिटी वाइज चेक करो सर, फिक्सिंग देखो गाय की सर, और फिर से 2 दांत सर चेक करवा देता हूँ जी, जो इसका वजूद है जी, बोलने को सर मैं बोल दूँ 25 लीटर नहीं सर, क्रॉस में गाय सर, साहीवाल क्रॉस है सर, फैट लेवल आएगा बढ़िया आएगा सर, SNF बढ़िया आएगा सर गाय का, और फिक्सिंग देखो सर फर्स्ट टाइम मेरा अभी सर, दूध 17-18 लीटर आराम से निकाल देगी सर। इस गाय का बैकग्राउंड बता दो जी, जो अभी चलाऊंगे। ये सर अमृतसर में गई है सर, लोकल पंजाब, जो लोकल पंजाब सर, ब्रीड वाइज चेक करोगे सर गाय को, बहुत बढ़िया सर, और फर्स्ट टाइम मेरा सर, अदंत है, ज्ञापन है, ज्ञापन है सर, अभी इसके दिल्ली में पड़े हैं सर 12-13 दिन, अभी सर गाय स्वेलिंग करेगी, ऑर्डर करेगी सर, तब जाके उसका रियल ऑर्डर आएगा सर, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है सर इसके, 12-15 दिन पड़े हैं सर आराम से। कितना दूध करेगी? सर अप्रॉक्सीमेटली 25 लीटर कर जाएगी सर। और रेट जी? रेट सर ये दिया 58 में सर।
58 जी 58 में सर। देखो सर क्वालिटी वाइज चेक करोगे सर, गाय को ब्रीड वाइज चेक करोगे सर, एकदम ब्रीड में है और 25 लीटर तक आराम से निकालेगी सर। गैप देखो, फिक्सिंग देखो गाय की जी, चमड़ी देखो सर बिल्कुल पतली में सर। और जो दूध वाले करेक्टर सर सभी है, बोलने वाला नहीं है सर, एक्चुअल में निकालेगी जो बोलने को मैं बोलूँ सर, ये 30 लीटर नहीं सर, जो जिसका जैसा इसका वजूद है ना सर, उसी हिसाब से इसका दूध है सर। क्योंकि सर एक दिन का काम नहीं है, एक दिन का काम करना जूस मूस का धंधा सर वो नहीं है, 2 लीटर कम बताएंगे ज़्यादा निकलेगा तो मजा है सर। बाकी सर आप करेक्टर चेक करते हो गए कि सर बढ़िया। इस गाय का क्या बैकग्राउंड है? ये सर सेकंड टाइमर बच्चा देगी सर, फर्स्ट का इसका 27-28 सर पीक लेवल पे। बिकी हुई है जहाँ सेल के लिए? सेल के लिए अवेलेबल है सर ये। अब कितना करेगी ये सर? 30 प्लस जाएगी सर, अप्रॉक्सीमेटली 32 तक चली जाएगी। और क्या रेट मांगने का जो फिक्स है आपका? तो फिक्स ही होता है ना, 72 में दे देंगे सर। प्राइस मांगोगे तो सर 75-72 में दे देंगे सर। बाकी सर आप हेड लेंथ बॉडी वेट देखो गाय का सर, मिल्किंग वेन देखो भी स्टार्टिंग है सर, 12 से 15 दिन पड़े हैं सर गाय के। करेक्टर चेक कर लो सर गाय का, 30 लीटर भी बड़ी आसानी से निकाल देंगे सर, पीक लेवल पे 32 पे चली जाएगी सर। ब्रीड वाइज सर गाय के करेक्टर चेक करो जी, और क्वालिटी वाइज सर देखो जी एकदम फिक्स की गाय, बिल्कुल गैप पे सर कच्ची है। हेड लेंथ बॉडी वेट सर गाय का, मिल्किंग वेन देखो सर कहाँ से स्टार्टिंग है सर। जो दूध वाले करेक्टर होते हैं सर गाय में सभी पतली चमड़ी की गाय है सर, ठीक है। सेकंड लैक्टेशन में 6 दांत है जी, और आसानी से सर 30-32 लीटर पीक लेवल पे निकाल देगी। बाकी सर करेक्टर वाइज जो किसान वीडियो देखते रहते हैं सर, उनको पता है कौन सी गाय दूध वाली है या कौन सी गाय नाम का दूध वाली है सर, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। बाकी सर नीचे दिए गए कमेंट बताएंगे सर, क्योंकि सर जिस हिसाब से गाय का रेट होता है हम उसी हिसाब से सर गाय का रेट लेते हैं, ऐसा नहीं है अभी सर हम 20 लीटर वाली का भी 75 लेंगे सर, ठीक है ना, क्योंकि जो उसका रेट है जितना उसका दूध है सर उस हिसाब से रेट लिया जाता है। तो किसान भाइयों, जो कस्टमर हैं गुजरात से जिन्होंने गगन भाई से गायें खरीदी है, कैसा अनुभव रहा, कैसी गाय मिल गई उसके बारे में आपको बताएंगे। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार, क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया। क्या नाम है अपना? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। अपना क्या नाम है जी? शक्ति सिंह है। अपना नाम जी? कुलदीप सिंह। ठीक है जी, कहाँ से आप? गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट से। और गांव कौन सा है? गांव चिखलिया गांव है। ठीक है, गगन भाई के पास कब आए थे? गगन भाई के पास कल सुबह आए थे। और पूरी गाय होगी आपकी? पूरी गाय हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करें, रहने सहने की कमी लगी कोई या फिर बढ़िया? नहीं, नहीं, गगन भाई ने उनके घर पे ही हमको ठहराया, खाना वाना सब उन्हीं के घर पे, बहुत बढ़िया। पैसे तो नहीं लिए? नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं लेते तो घर जैसे बंद है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब गाय का हिसाब करते हैं तो बिल बना लेते हैं कि खाने के भी इतने हो गए। तीसरी बार आए हम, पहली बार नहीं आए। अच्छा, तीसरी बार आ रहे हो? तीसरी बार आ रहे हैं। तो पहले जो गाय खरीद कर लेकर गए थे, ज्यादा से ज्यादा कितने दूध वाली थी वो? ज्यादा से ज्यादा मेरे पास 35 लीटर तक की थी। 35 लीटर? 35 लीटर। 35 निकला जहाँ 35 का 25 रह गया? नहीं निकला, उन्होंने जिस गाय का बोला था उस गाय का निकला। रेट आपको कैसा लगता है इनका? रेट बढ़िया लगा हमको। तो आप इनकी वीडियो देख रहे थे? हाँ, उनकी वीडियो में देख जी रहा था। जो ये बात वीडियो में करते हैं वही यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे हैं, या वीडियो में शो ऑफ करने के लिए बातें और कर देते हैं? नहीं नहीं, वीडियो वैसे यहाँ पे रियलिटी में कुछ और है। नहीं नहीं, वीडियो में जो बताते हैं वही है। ठीक है, और ओवरऑल बंदा कैसा लगा, ईमानदार बेईमान? नहीं नहीं, बहुत ईमानदार बंदा है। तो आगे के जो कस्टमर हैं इनके पास गायें खरीदने के लिए आ सकते हैं या नहीं? आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है जी, गुजराती भाषा में कुछ मैसेज देना चाहो इनके बारे में? हाँ भाई, बहुत सारा छे, गमे तेरे कोई ने गाय ली हुई तो भाई ना नंबर कांटेक्ट डिस्प्ले ऊपर आओ तो हमने कांटेक्ट कर दिया जी। ओके, धन्यवाद भाई। तो गगन भाई, आपने गायें चला कर दिखा दी है जो सेल के लिए अवेलेबल है जहाँ बिक चुकी है, अभी कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले तो इस साल किसानों के लिए क्या कर रहे हैं उन्हें सर? देखो, पहले तो सभी किसान भाइयों को सर हार्दिक शुभकामनाएं सर नए साल की मैं, और दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ सर, देखो जो ये किसान है ना सर भाई, ये आनंद से आए सर, अभी लोन चल रहा है सर गुजरात में, तो ये लोन वालों के लिए सर बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि सर सरकार लोन दे रही है, किसान उसका फ़ायदा उठा रहे हैं सर, ये बहुत बड़ी बात है जी, ठीक है ना। मैं सरकार का भी थैंक यू करना चाहूँगा सर, जो उनके किसानों का साथ दे रही है। तो दूसरी बात सर, हाँ भी किसान भाई गाय ले जाते हैं सर, तो बाद में ले जाके सर वहाँ पे मान के चलो डीलर पे डिपेंड है सर, मान के चलो मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा, जितना दूध बोला उतना निकला तो सर किसान बच जाएगा। अगर मैं धोखाधड़ी करने लग गया तो सर 20 लीटर बोल के दी वहाँ पे 10 लीटर निकाल रही है, 30 लीटर बोल के दी वहाँ पे 20 लीटर या 15 लीटर निकाल रही है। किसान यहाँ पे सर 30 लीटर का पैसा दे के आता है, मैं निकलवा 20 लीटर आऊँ सर, तो किसान मरेगा ही मरेगा ना। एक तो गायें खराब दे दी आपने, हाँ ऊपर से लोन का
किस्त भी अटक जाएगी। जी जी जी। तो ये मैटर आया था सर, देखो जी मैं जो भी डीलर भाई वीडियो बनाते हैं सर, देखो जी मैं उनको प्लीज रिक्वेस्ट किया सर भी एनिमल अच्छा दें सर। मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, वीडियो में हमें बड़ी बड़ी बातें तो करनी नहीं आती। आप जी गाय 50,000 में सेल कर रहे हो, इसका 52 ले लो, 53 ले लो, लेकिन जो बोला उस बात पे खरे निकलो। 1,000, 2,000, 3,000 ज्यादा पैसे ले लो। जो बात बोल देते हो वो एक्चुअल में जेनुअन हो। अगर 20 बोला है तो 20 का 22 लीटर दूध दे, 20 का 15 ना रहे, 10 ना रहे। सर देखो हवा में मत उड़ाओ सर, मैं सीधी बात करता हूँ सर। देखो मेरे हवा में उड़ने में कोई दम नहीं है। जी जी, देखो सर मेरे पास कॉल्स आती हैं सर, अदर स्टेट से लगा लो सर, पंजाब से आती हैं सर। मैं पहले स्पष्ट कर देता हूँ सर भी, जो हमारे यहाँ पे 25 लीटर निकालेगी ना, वो 5 मेंस करके लेके आना सर। मान के चलो जो हमारे यहाँ पे 25 दे रही है ना सर, वो आपके यहाँ पे 20 निकालेगी निकालेगी सर, ये मैं गारंटी लेता हूँ, लिख के देने को तैयार हूँ। क्योंकि सर देखो जी क्लाइमेट में आप गाय को एक खूंटे से दूसरे खूंटे पे बांधोगे ना सर, गाय का तब भी डिफरेंस आ जाएगा, जहाँ तो कम देगी सर जहाँ ज़्यादा देगी, गाय के मन लगने के ऊपर है सर, है ना। तो सर बोलने को मैं बोल दूँ सर, गाय मैंने 25 लीटर की दे दी, 5 लीटर वैसे अप कर दूँ और 5 लीटर वो कम कर जाएगी तो 20 पे आएगी ना गाय। तो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ सर, ऐसा काम नहीं है सर हमारा, जो बात बोलेंगे सर वही निकलेगी। बाकी सर जो किसान भाई गाय लेके गए हैं सर, तो उनसे कहो तो फीडबैक दिला देंगे वीडियो से, वीडियो थ्रू सर, जो गाय लेके गए हैं सर, जो बोलते हैं सर वही निकलना है, यही फार्म की जेन्युइनिटी है सर, ठीक है ना। क्योंकि सर देखो अच्छा काम कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं सर, तभी इतना अच्छा कस्टमर आ रहा है सर और जुड़े हुए हैं सर मालवा फार्म पे। अगर मान के चलो धोखाधड़ा करने लगे सर तो फिर आप टूट जाओगे। जी सर आप भी वीडियो मालवा से भी टूट जाओगे, किसानों से भी टूट जाओगे। क्या आपने देखा होगा सर बहुत से टूट गए हैं सर, वीडियो बनानी बंद हो चुकी है। रीजन क्या है सर आपको ही पता चल जाता है, क्योंकि सर आप वीडियो बना के चले जाते हो सर, आपको मान चलो नहीं पता सर कौन सी गाय हमने क्या कैसे दी है, सही है ना, क्या बोल के दी है जी, जो वो तो किसान ही जानता है ना। सही है, सही है ना। तो सर ये नहीं होना चाहिए सर भी, धोखाधड़ी वाला काम नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि सभी को अपने जैसा समझो जी, पैसे सभी इकट्ठा करके लाते हैं, कोई चोरी करके लाता है, कोई मेहनत से कमाता है सर। मैं स्पष्ट बात करता हूँ, क्योंकि सर देखो जी काम करो अच्छा करो, 2 रुपए ज्यादा। देखो गगन वीडियो का छोड़ो, वीडियो में आप कह रहे हो कि इसकी 30 की गारंटी लेता हूँ, इसकी 35 लीटर की गारंटी लेते हैं, 40 लीटर की, वो गारंटी आपने वीडियो में बोल दी, उस बात को छोड़ दो, बात सीधी करो। अगर कोई किसान आ रहा है 35 इसका बोला तो 35 निकाल कर दिखाओगे तो किसान आपको पैसा देगा, नहीं गाय नहीं खरीदेगा। जी जी वीडियो में बोल रहा हूँ सर मैं, अगर देखो सर किसान भाइयों जो सामने खड़े हैं, मैंने आपको बोल दिया वीडियो में, अगर इसने 35 बोला इस गाय का गगन ने 35 निकाला तो गाय खरीदो, नहीं आने जाने का भी खर्चा इससे लेकर चले जाओ। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है सर, आ सकता है सर बंदा। सही देखो है जी, बिल्कुल डरना सर आप बिल्कुल श्योर, क्योंकि सर देखो कस्टमर कोई उम्मीद लेके आता है सर, सही है ना सर। मान के चलो वो 35 गैस करके सर वहाँ से आया भी 35 लीटर वाली गाय लूंगा मैं, तो सर वहाँ पे जाके 20 लीटर निकाल रही है तो सर कोई तुक नहीं है सर। देखो बदनाम होने को सभी बदनाम हो जाते हैं सर, बंदा डीलर कोई एक फ्रॉड करता है सर बदनाम सारा पंजाब हो जाता है सर, ठीक है। तो ये बात सर मैं डीलर वालों को इसलिए कह रहा हूँ सर, क्योंकि ये काम करो अच्छा करो, 2 रुपये ज़्यादा ले लो, मिसगाइड करके कम रेट बोल के मत बुलाओ सर कस्टमर को। क्योंकि सर देखो जी जो आने वाली पीढ़ी है सर, जो आने वाला जनरेशन है सर, तो वो ये क्या समझेगी भी सर पंजाब में फ्रॉड होता है सर। नाम बदनाम किसका होता है, पंजाब का होता है पूरे का, ठीक है ना। तो ये मैटर ना रखो सर, काम करो पैसे लो, कोई दिक्कत नहीं, आप काम कर रहे हो मेहनत कर रहे हो सर, उसका पैसा लो आप, बट अच्छा दो सर, जो आगे वाला उसको भी अच्छा दो सर जानकर। यही सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर बार बार, और सभी किसान भाई जो मालवा फार्म के सब्सक्राइबर हैं, वीडियो देखते हैं सर, व्यूअर हैं सर, थैंक यू, इतना अच्छा प्यार दे रहे हैं सर, आपका प्यार ही चाहिए सर। और नीचे दिख भी रहा है सर, कमेंट पढ़ता हूँ सर, बहुत प्राउड फील होता है सर भी अपने आप पे भी सर, हाँ भी चलो कुछ तो कमाया है सर। और थैंक यू सर मालवा फार्म का, जिनकी बदौलत सर हमारा इतना नाम बना है।